और राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रामनिवास कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अर्जुन ऑटो सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस के टांकी के बारे में, जो कि ब्लैक में ग्रे और सिल्वर आप बोल सकते हैं। आइए तो अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हीरो अपने हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस की टांकी, जो कि ब्लैक में ग्रे पट्टा है। और ये है वीर कंपनी की। वीर कंपनी इतनी खास तो नहीं है, पर जो हमारे यहाँ सूरत में है रेगुलर चलती रहती है, सस्ती भी आती है थोड़ी बहुत, जेस कोस से थोड़ी सस्ती आती है और चलती रहती है। किसी अगर कस्टमर को सस्ती चाहिए तो हम सस्ती दे देते हैं ये लगे। आइए तो अनबॉक्सिंग करके, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर और वीडियो को शेयर करके बताइए करते रहिए। आई तो अनबॉक्सिंग कहते हैं। जो हीरो होंडा का पार्टनरशिप में था हीरो और होंडा, उस समय का ये पहला मॉडल था ब्लैक में ग्रे स्टिक वाला हीरो होंडा मार्के वाला। अभी तो हीरो आ रहा है सब में, पहले हीरो होंडा आता था 2010 में अलग होने के बाद, फिर हीरो हो गए, वो होंडा अलग हो गया था। कस्टमर अभी यहाँ पे हमारे पास कस्टमर खड़े हैं, अर्जेंट उनको देना, इसलिए मैं बोला एक वीडियो भी बना लेते हैं। ये देखिए वीर कंपनी की टांकी है, डबल पैकिंग आता है, ट्रिपल पैकिंग आता है, प्लास्टिक में आता है और पेपर भी देता है ताकि स्केच के ऊपर स्क्रेच वगैरह ना पड़े। ये देख लीजिए आप हीरो होंडा ब्लैक में ग्रे, या ब्लैक अमुक ब्लैक में सिल्वर बोलते हैं और ये ब्लैक में वैसे रेगुलर ब्लैक में ग्रे बोलते हैं इसको। ये हीरो होंडा ब्लैक में ग्रे स्टिकर, जो ग्रे कलर का फर्स्ट मॉडल आया था स्प्लेंडर प्लस सेल स्टार्ट गाड़ी था। ये फिनिश तो अच्छी है उसकी, थोड़ी क्वालिटी हल्की आती है, लोखंड जो आता है पतरा जो हल्का आता है। यहाँ पर देखिए फ्यूल गेयर लगेगा, फ्यूल गेयर लगता है वहाँ पर, और पेट्रोल को भी वहाँ नीचे लगेगा। आपको अगर लेना है तो नज़दीकी ऑटो पार्ट्स में जाइए, वहाँ आपको लोकल भी मिल जाएगा, ओरिजिनल मिल जाएगा। अगर ओरिजिनल और भी लेना है तो नज़दीकी शोरूम में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा।